तो जी ये सिर्फ 200-300 रुपए बचाने की खातर मैं इनके पास गया, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि इनसे फिटिंग नहीं हुई। सर ये मेरे लिए बड़ी परेशानी बनी कि मेरी सारी बाइक को इन्होंने ख़राब कर दिया। आप सिर्फ नाम ले लें मेरा, बहुत सारे लोगों के सामने वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे, यार वो बंदा तो गाड़ियों का काम करता है, वो बंदा तो बाइक का काम नहीं करता, यार वो बंदा तो गाड़ियों का काम करता है, वो फलाना काम करता है। और मज़े की बात, अब तक पिछले तकरीबन कोई एक साल से मैं बातें सुन रहा हूँ और सबकी बातें सुन के मैं मुस्कुरा देता हूँ। किस वजह से? कि यार बातें भी तो उसके बारे में होती है ना जिसमें कुछ होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ये आप लोगों ने ज़रा गौर से देखनी है, गौर से इसलिए देखनी है कि मैं आज कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। बाइक का काम जब से मैंने करना स्टार्ट किया है तो मेरी कोशिश यही होती है कि बाइक के काम में, चाहे वो सुजुकी की कोई बाइक हो, चाहे यामाहा की हो, चाहे होंडा की हो, चाहे और कोई 200-250-300-400 कोई भी बाइक हो, कोई मसला नहीं है बाइक के काम करने में। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर बाइक के काम में कोई इनोवेशन हो, कुछ ना कुछ नया तरीका ईजाद करो, कुछ ना कुछ बाइक की वायरिंग की सेफ्टी के हवाले से कुछ ना ऐसी चीज़ें बताओ जिससे पहले आपको मोस्टली बाइक के काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन लोग नहीं बताते थे। उसकी वजह यह है कि बाइक जो है उसकी वायरिंग छोटी सी एक वायरिंग होती है, एक कार के साथ कंपेयर करें तो बहुत छोटी वायरिंग है बाइक की। हम अगर कार की वायरिंग को देखते हैं तो कार की वायरिंग में इतनी सारी तारें होती हैं, उसके सामने एक मेहरान की अगर वायरिंग की बात करूँ ना तो यामाहा GS और पता नहीं कितनी काफ़ी सारे ब्रांड की फ़ी एक एक बाइक डालें तो उतनी तारें बनती हैं 7-8 बाइक की जितनी मेहरान की अकेली बनती है। तो मेहरान की वायरिंग तो बिल्कुल ही सिंपल है, पाकिस्तानी बनी हुई वायरिंग है, वो तो बिल्कुल ही सिंपल वायरिंग है, वो तो एक छोटा सा बच्चा भी उसको समझ ले, इतनी आसान वो वायरिंग है। तो उसी तरह से GS की बात करें, यामाहा की किसी बाइक की बात करें और बाइक की बात करें तो बाइक की वायरिंग को समझना बहुत आसान है। हाँ, उसके लिए जो कार की वायरिंग को समझता है कि आपको याद होगा 1.5 साल पहले मैंने GS150 का जो है उसके स्टॉक मीटर के अंदर गियर इंडिकेटर लगाना शुरू किया। अब मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे GS150 का जो गियर इंडिकेटर उसके अपने मीटर के अंदर लगा रहे होते हैं। अब मीटर के अंदर किस तरह से लगाते हैं, पूरा मीटर वो क्या कहते हैं आर पार सुराख करके फिर वो लगा रहे होते हैं, एक तो ये हो गया। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मीटर के इग्निशन स्विच के साथ बाहर ही लटका देंगे और आपको मुख्तलिफ तरह की वजाहतें पेश करेंगे कि भाई मीटर के अंदर लगाने से ये होता है, मीटर के अंदर लगाने से वो होता है, आपका जेन्युइन मीटर ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब ऐसी वजाहतें आपको पेश क्यों करेंगे कि आप नहीं समझते, आप लोगों में इतना दिमाग नहीं है, इसी वजह से पेश करेंगे कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं काम कर रहा हूँ GS का या YBR का, अब मुझे जितनी समझ है उतना तो मैंने कर लिया, जितनी मुझे समझ नहीं है उसके लिए मैं आपको अलग अलग किस्म के फतवे दूंगा कि भाई ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा, आपका तो मीटर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं एज अ इलेक्ट्रिशियन अपने मुँह से अपनी वीकनेस आप लोगों के सामने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं हमेशा दूसरे को ब्लेम करूंगा, दूसरी चीज़ को ब्लेम करूंगा कि यार ये है, वो है, वो है। इसी तरह से मेरे पास मुख्तलिफ तरह की बाइक्स आती हैं जिनका गियर इंडिकेटर मुख्तलिफ जगह पे फिक्स हुआ होता है तो उसको उसके स्टॉक मीटर के अंदर मैं फ़िक्स करता हूं। मेरी आदत है कि मैं कभी भी किसी का अच्छा या बुरा काम हुआ मेरे पास बाइक आए तो मैं उस पर बात नहीं करता, क्योंकि मेरे पास करने को काम है, जिसके पास करने को काम नहीं होता वो करता है बातें। और वो बातें कैसी करते हैं ये आप लोगों को भी पता, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वीडियोस देखते हैं उन्होंने वो वाली बातें सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों ने वो वाली बातें सुनी होंगी। अब वो बातें किसके बारे में होंगी, मेरे बारे में होंगी। आप सिर्फ नाम ले लें मेरा, बहुत सारे लोगों के सामने वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे, यार वो बंदा तो गाड़ियों का काम करता है, वो बंदा तो बाइक का काम नहीं करता, यार वो बंदा तो गाड़ियों का काम करता है, वो फलाना काम करता है। और मज़े की बात, अब तक पिछले तकरीबन कोई एक साल से मैं बातें सुन रहा हूँ और सबकी बातें सुन के मैं मुस्कुरा देता हूँ। किस वजह से? कि यार बातें भी तो उसके बारे में होती है ना जिसमें कुछ होता है, अब जिसमें कुछ है ही नहीं उसके बारे में लोग बातें क्यों करेंगे।
और दूसरी बात यह है कि मेरे पास उनकी बातों का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। मैं काम में मसरूफ होता हूँ, काम करने वाला बंदा हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं करने वाले। यूट्यूब पे वीडियोस बनानी होती हैं, एडिट करनी होती है, अपना काम करना होता है, लोगों को अपॉइंटमेंट दे के उस हिसाब से मैं मैनेज करके काम कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि मैं बातें करूँ लोगों के लिए। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास टाइम भी हो तो यार मैं काम करता हूँ, मुझे पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ किस क्वालिटी का कर रहा हूँ, तो मैं काम करूँगा, मैं बातें नहीं करूँगा। बातें वो बंदा करेगा जो काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ बातें करके आपको कन्विंस करेगा, जबकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने काम से कन्विंस कर सकूँ, काम से ही आपको रिप्लाई दे सकूँ। मेरे सामने लोग आके दूसरे इलेक्ट्रिशियन को या दूसरे मैकेनिकों को मुख्तलिफ तरह के लोगों को कुछ कह रहे होते हैं, यकीन करें मैं सुन के मुस्कुरा देता हूँ, चुप कर देता हूँ, बल्कि मुस्कुराना भी क्या है, मैं चुप कर देता हूँ और मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि भाई जिसको जितना नॉलेज है वो उतना ही काम करेगा। तो मैं अपने लिए खासकर ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और हर किसी से सीखते हैं, छोटों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं। तो काम के मामले में भी हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ अपने आने वाले कस्टमर से सीख लेता हूँ, तो इसी तरह हम एक दूसरे से सीखते चले जाते हैं। तो उन तमाम लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई लोगों, आप लोग काम में मुकाबला किया करो दूसरों का, ना कि क्रिटिसिज्म करके। क्रिटिसिज्म करो ठीक है, ये ऐसा उन्हीं के बारे में होता है ना जिनमें कुछ होता है, तो जिनमें कुछ नहीं होता उसके बारे में आपको मार्केट में क्रिटिसिज्म भी नहीं मिलेगा। तो आज भी मैं ये वाली वीडियो किस वजह से बना रहा हूँ, ये मेरे पास एक बाइक आई है, ये है GS 150। मैंने सोचा कि चले आप लोगों से मैं ज़रा मार्केट में चल कर रहा है वो ज़रा हाईलाइट कर लूँ। ये चली हुई है 415 किलोमीटर, और इस बाइक का ये देखे इग्निशन ऑन है, कोई लाइट ऑन नहीं हो रही, और ये वाली बाइक इस वक्त किक पे स्टार्ट है। इस बाइक के जो ओनर हैं शहबाज भाई, चले हम उनसे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया उनके साथ, ऐसा क्या बाइक के साथ किया था जिस वजह से ये मसला हो गया।